हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनी मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं वसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। पे आता है मोटोरोला H20 लाइट। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720, डिस्प्ले इसमें 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका OLED। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 108+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं मोटोरोला इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 6 सितंबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोर एडिशन। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 870, डिस्प्ले इसमें 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 50+16+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 30,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 30,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 सितंबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है म्यूजी 18 प्रो। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 888, डिस्प्ले इसमें 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका सुपर एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 64+8+32 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 44 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 40,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 40,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं म्यूजी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 सितंबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। 4 पे आता है नूबिया रेड मैजिक 6। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V11, 8GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 888, डिस्प्ले इसमें 6.8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्क्रीन इसका एमोलेड। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 64+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5050 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 40,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 40,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं नूबिया इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 सितंबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। 5 पे आता है Lenovo Lemon K12। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q, 4GB की रैम, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 460, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले, स्क्रीन इसका IPS LCD। बात करें कैमरा की तो इसमें डुअल रियर कैमरा है 48+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी, बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 8,000 रुपये। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 8,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Lenovo इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है।
अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 सितंबर 2021। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों इतने टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।